आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं, और जैसा हम लोग भजन एक एक पढ़ रहे हैं और काफी चीजें हमने उसमें देखी कि धन्य है कौन, आज उसी संदर्भ में हम पहली और दूसरी आयत दोनों पढ़ेंगे। मेरे लिए कोई पढ़े, यहां लिखा है क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की, क्या ही धन्य है वो पुरुष हाँ। जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता हाँ। और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता हाँ। और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है आगे। परंतु वह तो परमेश्वर की व्यवस्था से, परंतु तीन काम पहले छोड़ने हैं, क्या करना है, तीन काम पहले हमें छोड़ने हैं, विशेष तौर से ध्यान रखना है। पहली आयत में क्या लिखा हुआ है, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होना, और ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठना नहीं। ये तीन काम छोड़कर चौथी बात में प्रवेश करना है, और वो चौथी बात क्या है, परंतु, बोलो परंतु। जब कोई चीज में परंतु किंतु आ जाता है, इसका मतलब है वहां से गाड़ी कुछ रिवर्स या अन्य डायरेक्शन में जा रही है। तो यहां लिखा है परंतु वह तो परमेश्वर की व्यवस्था से, परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। अगर हम व्यवस्था की जगह वचन को इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो क्या लिखा है यहां पर, इसको वापस ऐसे करके पढ़ें, परंतु वह तो परमेश्वर की, परमेश्वर के वचन से प्रसन्न रहता है, परमेश्वर के वचन से प्रसन्न रहता है, प्रसन्न रहता है। क्या आपकी स्थिति यह है, क्या आप बाइबल को रोज खोलते हैं, क्या आप परमेश्वर के वचन को पढ़कर उससे अति आनंदित हो जाते हैं? अगर ऐसा है तो आप धन्य हैं। हालेलुया। और अगर आप बाइबल को ले जाकर, वचन को ले जाकर आपने आले में रख दिया है और उससे आपका कोई संबंध नहीं है दूर दूर तक, यू विल नेवर ब्लेस्ड, आप कभी भी आशीषित नहीं हो सकते, क्योंकि आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर है, वचन के द्वारा परमेश्वर हमें, हमसे बोलता है, बातें करता है। और दाऊद बादशाह एक जगह कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, काई के लिए रख छोड़ा है, ताकि मैं पाप में ना गिरूं। जब वचन अंदर होगा हम पाप से बचे रहेंगे, और अगर हम पाप से बचे रहेंगे तो निश्चित रूप से हम ब्लेस्ड पीपल कहलाएंगे, हम आशीषित लोग हो जाएंगे। तो पाप में क्यों गिरते हैं हम, क्योंकि हम वचन पर ध्यान नहीं देते, वचन हमारे जीवन से निकल जाता है, वचन को हमने दूसरे तीसरे स्थान पे समय दे रखा है। पढ़ लिया तो पढ़ लिया, नहीं पढ़ लिया तो नहीं पढ़ा, क्या दिक्कत है, नहीं पढ़ेंगे तो क्या उनसे मर जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपकी सोच ऐसी है कि नहीं पढ़ेंगे तो कौन सा मर जाएंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं निश्चित रूप से मर जाएंगे। आप मर जाएंगे का मतलब ये नहीं है कि आप खड़े खड़े गिर जाएंगे और मर जाएंगे, आपका आध्यात्मिक जीवन खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी बात परमेश्वर से कहते हैं, लेकिन जब हम वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर अपनी बात हमसे कहता है। ये कम्युनिकेशन है परमेश्वर और हमारे बीच में। परंतु वो तो परमेश्वर की व्यवस्था से, खुदा के कलाम से प्रसन्न रहता है, और दूसरा और एक काम और करता है वो, और दिन और रात उसके वचन पर ध्यान करता रहता है। दिन और रात, कब, रात और दिन, रात में भी और दिन में भी, और दिन में भी, यानी दिन के 24 घंटे वो परमेश्वर के वचन पर मनन करता है। ध्यान का मतलब होता है मेडिटेशन करना, हालेलुया, ध्यान से उसको सुनना। पढ़िएगा याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसके 22 पद से 27 पद तक पढ़े। परंतु परंतु वचन पर चलने वाले बनो, वचन पढ़ने वाले मत बनो,
वचन सुनने वाले मत बनो, परंतु वचन पर चलने वाले बनो। फॉलो करना है उसको, इंप्लीमेंट करना अपने जीवन में। पढ़ते तो बहुत, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन बाइबल पढ़ के उनका उद्धार नहीं हुआ। बाइबल पर पढ़कर उस पर चलने से आपका उद्धार होगा। आमीन। आगे क्या लिखा है? और केवल केवल सुनने वाले ही नहीं, केवल सुनने वाले मत बनो। जो केवल सुनता है वो अपने आप को धोखा देता है, लेकिन जो सुनकर उस पर चलता है वो अपने आप को धोखे से बचाता है। हालेलुया। आप धोखे से बचना चाहते हैं? आप जानते हैं इस दुनिया में सब जगह धोखा है, और अगर आप उस धोखे से बचना चाहते हैं, और इस आध्यात्मिक जगत में भी बहुत धोखा है, लेकिन जो वचन पढ़ते हैं और उस पर चलते हैं वो कभी धोखा नहीं खाते हैं। आमीन। आगे पढ़िएगा 23 पद को। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो, जो वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है, तो वो उस मनुष्य के समान हो जाता है जो अपना स्वाभाविक मुख दर्पण में देखता है। वो कैसा व्यक्ति है? जो जाता है आईने के सामने, जाता है आईने को देखता है, आईना उससे कुछ बोलता है, आईना उससे कुछ बातें करता है, आईना उसको उसकी कमी बताता है, आईना उसके चेहरे पे लगे हुए दागों से उसको अवगत कराता है, और इसलिए कि वह अपने आप को देखकर, अपने आप को देखकर चला जाता है। कैसे चला जाता है? काला लग रहा है तो लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है, और तुरंत भूल जाता है, और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था, मैं कैसा था, मेरे चेहरे पर दाग है, भूल जाता है। पर और जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर, स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था क्या है भैया? ये वचन आपको स्वतंत्र करता है। काई से स्वतंत्र करता है, सब दकियानुसी विचारधाराओं से। आज मंगल है, दाढ़ी मत बनाओ, बिल्ली रास्ता काट गई है, घोड़े की नाल से सुरक्षा होती है, ऐसी कई दकियानुसी विचारधाराएं। लेकिन जब हम इस स्वतंत्रता की सिद्ध वचन को पढ़ते हैं, यह हमें उससे आजाद करता है। हमें मालूम पड़ता है कि इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालेलुया। आगे सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, ध्यान करता है। ये जो ध्यान है ना, ध्यान, मेडिटेशन इंग्लिश में उसको बोलते हैं मेडिटेशन। आजकल मेडिटेशन जो है वो अलग प्रकार का हो गया है जी, आंख बंद करो और जो है वो तीसरे आसमान में चले जाओ, वो मेडिटेशन आपको पागल बना देगा। पर इस पर मेडिटेशन करने वाला हीरो बन जाएगा, हीरो। हालेलुया। हालेलुया। नहीं, कई आए मेरे पास जो मेडिटेशन करने जाते थे, आज पागल हैं। आप तो नहीं जा रहे कोई? अगर आपको मेडिटेशन करने का शौक है, ध्यान करना है, तो वचन पर ध्यान कीजिए, वचन पर। आमीन। क्योंकि ये वचन आपको शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा। देखिए कितनी बढ़िया बात है, ये वो अपने कामों पर, आपका काम कौन सा है, उन हर काम पर परमेश्वर की आशीष पाएगा। कि सुनकर भूलता नहीं, क्योंकि वो सुनकर भूलता नहीं, जो सुनकर भूल जाता है वो अपनी आशीष खो देता है, लेकिन जो सुनकर याद रखकर उसे इंप्लीमेंट करता है, उस पर चलता है, वो परमेश्वर से आशीष पर आशीष पाता चला। हालेलुया। हालेलुया। तभी तो लोग बोलते हैं चर्च में जाने से बहुत आदमी धनाढ्य हो जाता है, दिन बदल जाते हैं। पहले देखो साइकिल नहीं थी, अभी मोटरसाइकिल पे आता है, मोटरसाइकिल से फोर व्हीलर पर आ जाता है। वो अपने कामों पर आशीष पाने लगता है, आशीष। आप मेरे साथ हैं? आगे बढ़िए। कि सुनकर भूलता नहीं, आगे, पर वैसा ही काम करता है, वैसा ही काम करता है, जैसा लिखा है वैसा करता है। इसको बोलते हैं इंप्लीमेंटेशन। अगर आप अपनी जिंदगी में
केवल पढ़ने वाले और सुनने वाले हो, यू विल नेवर ब्लेस्ड, आप कभी आशीषित नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने पढ़ा, सुना और उस पर चलना शुरू किया, आप देखेंगे आप 6 महीने के अंदर आशीषित हो जाएंगे। आमीन। चलिए आगे बढ़िए। यदि कोई अपने को भक्त समझे, यदि कोई, अब और भी कुछ पॉल याकूब और भी कुछ करने को कहता है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझता है, यहाँ कितने लोग हैं जो भक्त हैं, हाथ ऊंचा करें, कुछ लोगों के हाथ नीचे हैं, थोड़ा और ऊपर करो ना, प्रभु भी देख ले, हम सब यहाँ पर जो है कौन है, भक्ति करने वाले हैं। और वो भी किसकी भक्ति करते हैं मालूम है, सच्चे परमेश्वर की भक्ति। अब भक्त कैसा होता है वो बाइबल में लिखा है, चलिए पढ़िए क्या लिखा है, भक्त को ऐसा होना चाहिए, और अपनी जीभ पर लगाम न दे, कंट्रोल योर टंग, भक्त को अपनी जुबान पर लगाम लगाना होगा, क्या आप मेरे साथ हैं, भक्त को अपनी जुबान पर लगाम लगाना होगा, बोलने से पहले सोचना होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, और उसके बाद पर अपने हृदय को धोखा दे, हाँ अपने हृदय को क्या करता है, जो व्यक्ति अपनी जुबान पे लगाम नहीं लगाता, मर्जी आए जो बोल देता है, वो अपने हृदय को क्या करता है, धोखे में रखता है, वो खुद धोखे में है, यूं समझ लीजिए, अगर मैं ऐसा कहूं तो ठीक रहेगा, वो धोखे में है कि मैं भक्त हूं पर है भक्त नहीं, भक्ति का जीवन नहीं है, वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पा रहा है, वो लोगों को प्रसन्न कर रहा है। आगे बढ़िए, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है, उसकी भक्ति को क्या बता दिया है याकूब ने, व्यर्थ, बोलो व्यर्थ है। तो क्या करना है, सबसे बड़ी बात वचन को पढ़ना सुनना और उस पर ध्यान करना, और हमारे परमेश्वर और पिता के निकट, और हमारे परमेश्वर और हमारे पिता परमेश्वर के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथ का सुधि लेना और विधवाओं की सुधि लेना, कलेश में उसकी सुधि ले, वो विधवाएं अगर क्लेश में हैं, संकट में हैं, परेशानियों में हैं, तो उनकी क्या करें हम, सुधि लें, क्या आप मेरे साथ हैं, और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे, संसार से बचा करके रखे। हालेलुया। मेरे अजीजो, ध्यान लगाना, आज की सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं आप इस ध्यान पर ध्यान लगा लें, पढ़िएगा भजन 77 का 12। मैं परमेश्वर तेरे सब कामों पर ध्यान करूंगा। ध्यान करूंगा, मैं उन पर मन लगाऊंगा, और तेरे बड़े कामों को, सुबह से शाम तक अगर उसके बड़े बड़े कामों को देखकर आप उसके कामों को वर्णन करें, तो मेरे को नहीं लगता कि आपको फालतू की बात करनी पड़ेगी। हालेलुया। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, उसने सूरज बनाया, अच्छा बनाया कि नहीं बनाया, हेलो, सूरज बनाया, अच्छा बनाया कि नहीं बनाया, चांद बनाया, अच्छा बनाया कि नहीं बनाया, बोलो ना, पेड़ बनाया, अच्छा बनाया कि नहीं बनाया, आपके पड़ोस में एक बहन बैठी है, आपके पड़ोस में एक भाई बैठा है, उसको अच्छा बनाया कि नहीं बनाया, बनाए, कितनी चीजें हैं जो परमेश्वर ने बनाई, और सब कैसी बनाई, अच्छी बनाई, फल बनाए। मैं जब केला खाता हूं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, क्या मिठास से भरा हुआ है, आम खाता हूं मैं, प्रभु तेरी क्या क्या कुदरत है कि सारा रस इसके अंदर घुस गया, कैसे घुसा कुछ समझ में आता नहीं, बुद्धि में आता नहीं, कैसे अंदर गया ये? आता है क्या, लेकिन परमेश्वर करता है। हालेलुया। कितनी चीजें परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए बनाई है,
सुबह से शाम तक अगर हम अपनी एक एक सांस के लिए उस पर ध्यान लगाएं या उसे धन्यवाद दें, तो मेरा कहना है आपको फालतू की बुराई करने के लिए टाइम, लेकिन आपके पास बहुत टाइम है। क्यों? क्योंकि आप उसके आश्चर्य कर्मों पर ध्यान नहीं दे रहे। एक गाना जरूर हम गाते हैं, कैसे मैं वर्णन करूं जग में इतने आश्चर्य कर्म तेरे हैं, उनका वर्णन मैं कैसे करूं। कहां है हमारे पास टाइम फालतू की बात करने के लिए? हमारे पास कहां समय है? अगर हम यहोवा के आश्चर्य कर्मों को गिनने लगे, ध्यान लगाएं उन पर, तो मुझे नहीं लगता कि आपको दूसरी एड़ी बेड़ी बातें करने के लिए टाइम रहेगा। हालेलुया। एड़ी बेड़ी बातों करने के लिए टाइम कब है मालूम है आपके पास? क्योंकि आप उनके उसके आश्चर्य कर्मों पर ध्यान नहीं लगाते। एक एक चीज पर ध्यान लगाएं, जो कुछ प्रभु ने बनाया उस पर ध्यान लगाएं। और फिर दूसरी बात, प्रभु ने हमें बनाया है, हमारे हाथ बनाए, पांव बनाए, कितनी चीजें हमारे जीवन में प्रभु ने बनाकर हमें दी है, जिसका हम उपयोग और उपभोग कर रहे हैं। एक एक अंग के लिए आप प्रभु को क्या कर सकते हैं? रोज सुबह से शाम तक धन्यवाद दे सकते हैं। हालेलुया। तो उसके आश्चर्य कर्मों पर, भजन संहिता 4:4 भी पढ़ दीजिए जरा। कांपते रहो, कांपते रहो और पाप मत करो। और क्या मत करो? क्या मत करो? पाप मत करो। पाप कब नहीं करोगे आप? जब वचन अंदर रहेगा, वचन पर ध्यान करते रहोगे, परमेश्वर पर ध्यान करते रहोगे, सूली को ताकते रहोगे, क्रूस पर चढ़े हुए यीशु मसीह की बातें करते रहोगे, आप पाप से बचते रहोगे। हालेलुया। और क्या लिखा है? और अपने अपने बिछौनों पर, अपने अपने बिछौनों पर मन ही मन में सोचो, मन ही मन में सोचो, सोचो और चुपचाप रहो। क्या? चुपचाप रहो। ये तो बड़ा मुसीबत वाला काम बताया, चुपचाप रहो। हम खाए बिना रह सकते हैं, परंतु चुपचाप रहो, चुप रहो। हम तो बिछौने पे बड़े बड़े भी बोलते हैं, कुछ लोगों को आदत होती नींद में भी बोलते हैं, है जी? और नींद में भी उल्टी बातें बोलते हैं। सीधी बोले तो कोई दिक्कत नहीं। कितनी बातें हैं जिन पर आप मनन कर सकते हो, ध्यान लगा सकते हो। प्रभु का वचन कहता है, पढ़िएगा 63:6, भजन 63:6। जब मैं बिछोने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, जब मैं बिछोने पर पड़ा हुआ स्मरण करूंगा, तब रात के एक-एक पहर, रात के एक-एक पहर मैं तुझ पर ध्यान करूंगा। क्या कहता है लेखक? क्या कभी आपने ऐसा किया है क्या? हेलो, आपके पास फालतू की बात करने के लिए बहुत समय है, लेकिन एक भक्त अगर सचमुच भक्त है तो उसको सर को जाने की भी फुर्सत नहीं। मुझे तो नहीं है भाई, मुझे तो बिल्कुल फुर्सत नहीं है। फालतू की बात करने के लिए मेरे पास समय नहीं है, बुराई बुराई करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। कुछ अच्छी बात करनी है तो आपकी बात सुनने को तैयार हूं, बुराई और कमी सुनने के लिए मेरे पास समय नहीं है। क्योंकि बुराई और कमियां सुनकर के मैं अपने अभिषेक को बिगाड़ना नहीं चाहता। क्या आप मेरे साथ हैं? कितनी बढ़िया बात लिखी है, जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के हर एक पहर में तुझ पर क्या करूंगा? तुझ पर ध्यान करूंगा, तुझ पर ध्यान करूंगा, तेरे कामों पर ध्यान करूंगा, तेरे आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा, तेरी बनाई हुई सृष्टि के ऊपर ध्यान करूंगा। आज आपका ध्यान कहां है? आज सुबह अपने ध्यान को इधर उधर से हटाकर प्रभु की ओर लगाए। आमीन। भजन 104 उसका 34, भजन 104 उसका 34। मेरा ध्यान करना। बाइबल कितनी जगह मेडिटेशन की बात कर रही है? हेलो, आगे बढ़िए। मेरा ध्यान करना उसको प्रिय लगे। उसको कैसा लगना चाहिए? प्रिय। किसको?
परमेश्वर को। अच्छा एक बात बताइए, आपका ध्यान अगर संसार और संसार की बातों में है तो खुदा को पसंद आएगा? अरे मैं कहता हूं पति पत्नी के बीच में भी एक झगड़ा है, तुम मेरा ध्यान नहीं रखती हो। पत्नी कहती है तुम मेरा ध्यान नहीं रखते हो, है कि नहीं? इस ध्यान में प्रॉब्लम है, थोड़ा सा ध्यान इधर उधर किया नहीं और पति को शिकायत चालू हो जाती है। अरे हाँ या ना, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। पत्नी को शिकायत हो जाती है अगर मोबाइल में ज्यादा ध्यान है और आपकी तरफ ध्यान नहीं है, तो पत्नी को बहुत ज्यादा शिकायत है आपको, आजकल आपको हमारा ध्यान नहीं है। प्रभु चाहता है कि हम इस ध्यान पर ध्यान लगाएं जो प्रभु चाहता है। और एक और बात मैं आपको बताऊंगा, बहुत अच्छी बेहतरीन बात बताऊंगा जवानों के लिए। आपको अच्छा जीवन साथी चाहिए, जो कुंवारे हैं उनकी बोल रहा हूं, जिनकी शादी नहीं हुई है। हेलो, आपको अच्छा जीवन साथी चाहिए तो आप ध्यान लगाना शुरू करिए। किस पर? किसी लड़के पे नहीं, किसी लड़की पे नहीं, वचन पर ध्यान लगाइए। जो वचन पर ध्यान लगाते हैं उनको खुदा बेस्ट देता है, बेस्ट। ताली बजा के प्रभु को महिमा करें, हालेलुया। अब आप बोलेंगे कहां लिखा है? हां लिखा है, देखिए एक एग्जांपल आपको देता हूं, पढ़िएगा उत्पत्ति का 24वां अध्याय। भजन सॉरी उत्पत्ति 24 और उसका 63 पद पढ़िए। सांझ के समय में वह मैदान में ध्यान करने के लिए निकला। कौन? इसहाक। बोलो इसहाक। इसहाक जो था वो कहां गया मैदान में ध्यान करने के लिए? क्या करने गया? किस पर? परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करने गया। और जब उसकी जिंदगी में उसने अपनी जिंदगी को ध्यान पर, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों पर और वचन पर ध्यान लगाना शुरू किया, उसके आश्चर्य कर्मों की ओर ध्यान लगाना शुरू किया, एक आश्चर्य कर्म उसकी लाइफ में भी हुआ। और वो आश्चर्य कर्म क्या हुआ? और उसने आंखें उठाकर क्या देखा? ध्यान का प्रतिफल मिला, ध्यान का प्रतिफल। हालेलुया। क्या है का प्रतिफल? पड़ोसी को बोलो ध्यान का प्रतिफल मिलेगा। लेकिन कहां ध्यान है? टीवी में, मोबाइल में? उसके आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करें, उसकी बनाई हुई सृष्टि पर ध्यान करें, उसके वचन पर ध्यान करें, तब तुम्हें बेस्ट मिलेगा। और वो जब उसने आंख उठाकर देखा तो क्या देखा? कि ऊंट चले आ रहे हैं। क्या चले आ रहे हैं? क्या चले आ रहे हैं? क्या चले आ रहे हैं? उन ऊंटों पर कौन है? रेबिका। एक अच्छा जीवन साथी। हालेलुया। उस ऊंट पर कौन है? पादरी साहब, हाँ नाम बोल दिया आपने, मैं बोल रहा हूं उस पर एक अच्छा जीवन साथी आ रहा है। किसको मिला? ध्यान करने वाले को। ध्यान करने वालों का ध्यान वो भी रखता है और उनको उत्तम से उत्तम चीजें देता है। पता रेबेका कैसी मिली? बोलो बेस्ट। रेबेका कैसी थी नेचर में? उसने इलियाजर को बोल दिया था पहले ही, मैं तुझे भी निभाऊंगी, मैं इजाक को भी निभाऊंगी और इजाक के घर वालों को भी। आपको बेस्ट चाहिए? ध्यान लगाना शुरू कीजिए। ध्यान काई पर? काई पर? वचन पर ध्यान। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने स्थान पर हम खड़े हों और प्रभु से कहें, प्रभु मेरा ध्यान जो इधर उधर है, आज मैं अपने ध्यान को इधर उधर से हटाकर तेरी ओर लगाना चाहती हूं, तेरी ओर लगाना चाहता हूं। क्लोज योर आईज। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता,
धन्यवाद करता हूं कि तूने हमारी को आज ध्यान लगाने पर ध्यान दिलाया। जो लोग आपके वचन पर ध्यान करते हैं, जो लोग आपके आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करते हैं, जो आपके वचन पर ध्यान करते हैं, आपकी वचन से और आपकी व्यवस्था से प्रसन्न रहते हैं, वो सदा आशीष पाते हैं। प्यारे खुदावन परमेश्वर, आज दिन भर इन प्रिय लोगों को जय के उत्सव में लेके चल, अपने ज्ञान की सुगंध इनके जीवन के द्वारा हर जगह फैला, इनके कामों पर आशीष दे। धन्यवाद करते हैं, तुम हमारी प्रार्थना सुनी, सब आदर महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरु की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे। और हम सब बोले आमीन। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू।